नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं, जिसमें आप लोग देखें क्लास नाइन्थ का जेक बोर्ड का मॉडल सेट, इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट पर्पस हैड ड्राइवन गांधी जी टू इंग्लैंड, मतलब गांधी जी किस मकसद से, किस उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। एक नंबर 1, शराब पीने के लिए। दूसरा में गेम्स खेल के लिए। तीसरा में पॉलिटिक्स राजनीति के लिए। चौथा में है स्टडी, इसमें सही आंसर होगा स्टडी, अध्ययन के लिए, पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड गांधी जी ट्राई टू कॉपी, गांधी जी किसकी कॉपी कर रहे थे, किसकी नकल कर रहे थे। एक नंबर फ्रेंड्स, दोस्तों की। दूसरा में यंग मैन, युवा आदमी की। तीसरा में यंग वोमेन, मतलब युवा महिलाओं की। और डी में पेरेंट्स, इसका आंसर होगा यंग मैन, युवा आदमी की। नंबर 3, ही वेस्टेड ए लॉट ऑफ, उन्होंने बर्बाद किया, क्या किया, ऑन बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ, मतलब अंग्रेजी ड्रेस को खरीदने में क्या बर्बाद किए। तो टाइम अपना, समय, मनी अपना रुपया, एनर्जी अपना ऊर्जा, डी नन ऑफ दिस, इसमें आंसर होगा बाय खरीदारी जो करते लोग पैसे से, मनी। क्वेश्चन नंबर 4, द अपोजिट ऑफ द वर्ड रॉन्ग इज, मतलब रॉन्ग का विपरीत शब्द या उल्टा शब्द, विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट होगा, राइट में सही, लेफ्ट में बायां होता है, राइट में लिखना होता है, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दिया हुआ रॉन्ग, रॉन्ग का होता है गलत, इसमें सही होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज ऑनेस्ट, ईमानदार कौन था, रहीम, हसन, बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों, और नाइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई नहीं, इसमें इसमें होगा हसन, ईमानदार हसन था। नेक्स्ट, हुए वाज रहीम जीलियस या जेलियस, मतलब रहीम जलनशील क्यों था। तो एवरीबॉडी लाइक हसन, हर कोई हसन को पसंद करता था। बी, एवरीबॉडी डिसलाइक हसन, हर कोई हसन को नापसंद करता था। एवरीबॉडी लाइक रहीम, हर कोई रहीम को पसंद करता था। डी है एवरीबॉडी डिसलाइक रहीम, हर कोई रहीम को नापसंद करता था। इसका आंसर होगा एवरीबॉडी लाइक हसन, हर कोई हसन को पसंद करता था, जिसके कारण वह जेलियस रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ए करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द स्टार, मतलब तारा, चमकता है, एक नाइट रात में चमकता है, तो स्टार सिंगुलर है, इस वास्ते द स्टार साइन एट नाइट, तारे समूह में रहते हैं, इसमें आएगा साइन। द स्टार्स साइन एट नाइट। एट नंबर, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, तो इसमें हैज कि आर कि हैज कि द हैज, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट, सीता एज वेल एज हर पेरेंट्स, हैव कम, हैज कम, आर कम, वेयर कम, हैज कम होगा, एज वेल एज के साथ सिंगुलर नंबर आता है। कर यू टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो मैं अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए, क्या शुड करना चाहिए, मस्ट अवेस करना चाहिए, आउट और मैं, इसमें मस्ट अवेस करना चाहिए। तो वीडियो यदि आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल रही तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवेस कीजिए। जय हिंद।